हम आज ब्रिगेडियर साकेत जी से मिले जो चीफ इंजीनियर बीकन है, और हमारी मुलाकात जो थी श्रीनगर बारामूला उड़ी जो वाइडनिंग है उसके हवाले से थी, और भी जो है कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस हुए, चाहे कोपाडा से, पुंछ से, बार जो है उड़ी से लेके, तो वो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन पर्टिकुलरली हमारा जो वहाँ पर आज उनसे मिलना था ये श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे वाइडनिंग के बारे में था। तो ये बहुत ही 1-2 घंटे हम मिले बैठे और उनसे चर्चा की, और इट वाज वेरी फ्रूटफुल। आई एम थैंकफुल टू हिम, उनने बहुत पेशेंटली हमको सुना, और हम इसमें आपको बताना चाहेंगे, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, पर्टिकुलरली उसकी चेयरपर्सन, सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सारे इस पे लगे हुए हैं कि जो लोगों की देरीना मांग जो है वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे, ये रिड्रेस हो। पिछले साल मैं खुद भी गया दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, हमारी भी ये मांग थी कि इस मसले को हल किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मोटे तौर पर, ये नेशनल हाईवेज एक्ट और दूसरा एक कानून है फेयर कंपनसेशन एक्ट, उसमें प्रोसेस हो रहा है, और उसमें पैकेज वन जो है जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे मोटे तौर पे कि इसमें 2 फ्लाईओवर्स है, एक संग्रामा में है, एक डलिना में है, और इसमें 2 बाईपास है जिसे हम पटन बाईपास कहते हैं, जो हांजीवाड़ा से शुरू होगा, तापर में निकलेगा बाईपास, और दूसरा बारामूला बाईपास है, कांसिसपोरा से शुरू होगा, खानपुर में निकलेगा। और उसके साथ साथ जो पैकेज वन में इस वक्त इम्पॉर्टेंट है काम जिस पे शुरू होने जा रहा है, वो हुआ तापर से संग्रामा, और उसके बाद ये श्रीनगर से जो है नारबल से हांजीवाड़ा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो प्रोसेस हुआ है इसमें जो है कुछ पैकेज वन में जो ही अमाउंट डिसबर्स होगा आप देखेंगे कि इसमें पोजीशन ली जाएगी और इस पर शिद्दत से काम शुरू होगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से हमने देखे हमारे चीफ इंजीनियर साहब, जो उनमें एक तो ड्यूटी उनकी है, लेकिन जिस एंथ्यूजम और जज्बे के साथ वो इस पे इसका इस जो असाइनमेंट है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो उनको टास्क दिया गया है, तो जिस दिलचस्पी के साथ वो इस पे लगे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो लोगों की देरी ना मांग है ये पूरी हो जाएगी। शुक्रिया। Yeah.